क्या हुआ बचपन में? ना तो अभी हमारे पिताजी आए हाँ? और ना ही बच्ची है। घबराओ नहीं, क्यों ना घबराओ? तुमसे कोई दूर नहीं जा सकता क्योंकि तुम्हारे पास ऐसी माया मोह है। क्या आपके पिताजी आपसे दूर जा सकते हैं और नहीं तो सेनापति जी आपके पास। मैं आज कई दिन से इंतजार कर रही हूँ लेकिन कोई नहीं आ रहा है। अरे कोई है भाई सवेरे के अंदर? लो देखो सुबह सुबह कौन आ गया? अरे कोई है? कौन हो? अरे हम डाकिया हैं। आए हैं? डाकिया डाकिया। काम क्या है? अरे महाराज के नाम से लेटर आया है। ओहो आ जाओ भी जाओ। हाँ आ जाओ। अरे हम पोस्टमैन हैं। क्या हुआ पोकमैन हो? बेकूप है के नालाय है। क्या है पोकमैन? अरे पोस्टमैन बोलते हैं। पोस्टमैन जी रुकिए वहीं पे थोड़ी देर। वो पोस्टमैन जी आए हैं और वो कह रहे हैं कि महाराज के नाम से कोई लेटर आया। हमारे पिताजी की? हाँ हाँ जल्दी बुलाओ ना पोस्टमैन साहब। हेलो आओ। ठीक है मैं आ रहा हूँ। अंदर अरे कोई है भाई? ओहो ओ नमस्कार पोस्टमैन साहब। कौन हो आप? कोई दिक्कत आपको नहीं? मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई रास्ते में। नहीं नहीं लेकिन मैं पूछ रहा हूँ आप कौन हो? मैं हाँ मैं यहाँ का मंत्री। क्या मंत्री? हाँ। क्या नाम है आपका? मंत्री प्यारे लाल। ओ मंत्री प्यारे लाल। यस। तो महाराज के मंत्री प्यारे लाल हो? यस। महाराज के घर में और कौन है? महाराज के घर की लड़की राजकुमारी चित्रकला। तो ठीक है उन्हें बुलाओ और मैं लेटर उन्हें दूं। राजकुमारी जी आइए पोस्टमैन साहब के साथ से बातें करना चाहते हैं। क्या बात? क्या नाम है? मेरा नाम हाँ मेरा नाम चित्रकला है। चित्रकला जी। चित्रकला जी आपके पिताजी क्या नाम है? ऐसे ही चले आए मेरे पिताजी के लिए ठेले। अरे मैं पूछ रहा हूँ इसलिए कि उनकी सगी बेटी हो या नहीं हो? नहीं नहीं मैं सगी बेटी हूँ। सगी बेटी हो यानी मातम सिंह आपके पिताजी हैं। ये लीजिए लेटर। और मंत्री जी खर्च दीजिए हम चले अब दूसरी चिट्ठी पहुंचाना है दूसरी जगह। देखिए पोस्टमैन साहब बोलो आप रोड पर चले। हाँ हाँ तब तक होटल पर बैठकर चाय नाश्ता कर ले। ठीक। और हम उसी होटल के पास जो गूगल चलता हो होटल वाला। हाँ हाँ हम गूगल में पैसे डाल देंगे। ठीक है वो खर्च कर देगा। ठीक है मंत्री जी लीजिए। लीजिए इसको पढ़िए। देखिए हमारे पिताजी ने क्या लेकर भेजे हैं मेरे लिए और मुझे बताओ। राजकुमारी शुक्ला तुम्हें मालूम है किस वक्त तुम्हारे पिताजी डाकू जंजीरा के अरे बाप रे बाप क्या हुआ? आगे बढ़िए आगे बढ़िए। घबराओ नहीं घबराओ नहीं हम सब तुम्हें बता रहे हैं। इस वक्त तुम्हारे पिताजी हमारे कैद में हैं और अपने पिताजी की जान की भलाई चाहती हो उन्हें कुशल मंगल चाहती हो तो तुम
राजकुमारी की कला एक नई दुल्हन की तरीका हर श्रृंगार कर अच्छे से कपड़ा पूरा श्रृंगार होना चाहिए तुम्हारे बदन पर और हमारे अड्डे पे आ जाओ तो हम तुम्हारे पिताजी को छोड़ देंगे। मंत्री जी जल्दी सेनापत को बुलाइए, नहीं हमारे पिताजी के तो जान खतरे में है। मामला तो बहुत गड़बड़ हो गया, जल्दी बुलाओ सेनापत को बुलाओ। वो सारा जंजीरा सिंह बहुत खूंखार आदमी है। सेनापत जी क्या बात है? तुम लोगों के चेहरे पर उदासी। मंत्री जी सुनिए हमारी बात, कहिए सेनापति। अरे गुलफाम कुछ बताओ, क्या बात है? गुलफाम कुछ बताओ, क्या बात हो रही है? से तुम्हारे इस घड़ी बरसात हो रही है। हालत तुम्हारी देख के दिल को चैन नहीं है, क्या बात है? बताओ बात क्या, ये क्या बात हो रही है आखिर? क्या बात है? तुम लोगों के आंखों में आंसू और इस तरीके से आपस में कुछ बातें करके उदास हो गए, क्या बात है? उदास होने की बातें, मंत्री जी चिट्ठी दे दीजिए और के पढ़ के कुछ से बच जाएंगे। अगर एंटीलेटर पर हो गए तो हम लोग जैसे उदास हैं उसी तरीका आप भी हो जाओगे। होश हमारे नहीं, होश तुम्हारे उड़ने चाहिए, क्योंकि यहाँ के तुम मंत्री हो। हमारे तो सारा दिमाग नहीं काम करता है, क्या भला मैं क्या करूँ? चिट्ठी तुम्हारे पास आई थी, चिट्ठी जब आई थी तुम थे? यस। कौन लेकर आया था? पोस्टमैन। पोस्टमैन हाँ। तुमने पढ़ा? हाँ। अभी तक कोई विकल्प निकाला? यही तो हम सोचे थे यार, हमारे दिमाग नहीं काम करता, कहाँ जाई हम। अच्छा ये बताओ राजकुमारी जी, आप बैठिए। क्या करे अपन, हम जान मरवाई। नहीं अपनी जान मत मरवाओ, किसी की जान फालतू नहीं है। नहीं अगर विचार हो तो बताओ फिर हम पर जाने। लेकिन तुम यहाँ के मंत्री हो। हाँ। अगर महाराज कोई कष्ट कोई दुख होता है कोई संकट पड़ता है तो सबसे पहले मंत्री को हाथ बढ़ाना चाहिए, और ये तुम्हारा फर्ज और कर्तव्य कहता है कि महाराज को जंजीरा के शिकंजे से निकलवा कर लाना। महाराज ऐसी जगह फंस गए कि हुआ जाए से साला हमारे
लेकिन इस लेटर में तो लिखा है कि जब तक राजकुमारी चित्रकला दुल्हन के भेष में सजकर हमारे गुफा की तरफ नहीं आती हैं, तब तक हम महाराज को आजाद नहीं करेंगे। तो हमार तुहार हुआ कौन जरूरत है, इन्हें के सब श्रृंगार करवा दी जाए, जौन कहा क्रीम टिकुला झुमका नथिया सब ला दी पहरा दी जाए अपन ले आवे काका। जंजीरा सिंह एक डाकू है और आज तक तुम्हारी रियासत में कितनी बहन बेटियों की असमत को बर्बाद किया है। अभी तुम राजकुमारी को भेजोगे दुल्हन की तरह सजाकर, जाओ तुम जाओ, हम कुछ लोग आपस में कुछ बात करेंगे, उसके बाद आपको हम बताते हैं, कोई ना कोई विचार हम बनाएंगे, कोई ना कोई उपाय ढूंढ निकालेंगे। एक चारा हम सब ले आओ, तुम निश्चिंत होकर चलो, मैं आपको आवाज दूंगा। चलो चलो घबराओ नहीं, चलो। कहा कहे भैया? कहो मंत्री, एमा कौन प्लान बनावा जाए? एमा प्लान है बनावा। अबे प्लान नहीं प्लान। हाँ प्लान, देखा भाई राजकुमारी के जाप हुआ उचित नहीं है। लेकिन यार उसने राजकुमारी को बुलाया, एक काम की जाए। क्या? देखा भाई अगर हमार बात माना, देखा आपो हिया के बड़ा हौदा वाला हम। हौदा नहीं, हमारे बड़े गड्ढा खोदवा यहाँ खुद। हाँ बड़ा ओहदा पे आया आप, हमसे बड़ा ओहदा पे हा माने जाए तो भाई, जैसे राजकुमारी के बजाय आप बतावत रहे कि हमरे अम्मा हैं। आगे बोल आपो वफादारी कर ब्या, हम वफादारी नहीं, राजकुमारी तो ठीक ही है। हाँ। हमारे अम्मा हुआ का करी है, मान लिया आपके माता जी बुढ़ानिया है, ठीक है, हो सकत है आपके माता जी से कुछ उपाय। जाए हुआ हाथ जोड़े जोड़े गिरे, आखिर हमका आपका अपन हाथ दबान है तो हाथ निकाले पड़ी। अगर हमारा दिमाग काम कर रहा है, अगर मेरी बात मानो तो हमारे दिमाग में एक बात आ रही है। हाँ एक काम करूंगा। का देखा भाई हम हुआ जाए नहीं पाओ। सुनो सुनो, तुमको जाने की आवश्यकता नहीं। हाँ। जंजीरा सिंह ने चित्रकला को बुलाया है कि दुल्हन की तरह सज कर आओ, राजकुमारी जी जब उसके पास होंगी हाँ। तभी महाराज को छोड़ेगा। हाँ। एक काम करो, राजकुमारी के कपड़े तुम पहनकर चले जाओ। हाँ। सही कहा था दोस्त, ये वफादार मने, अरे यार तुहका शर्म करे के चाही, इतना बड़ा वो होता कई के सोचा राजकुमारी के ऊपर इतनी बड़ी हादसा लिखा, तुहका खुद ही दुलहिन बलहिन बने के चाही। अच्छा ये बताओ तू कहे डराता, तू कहे? अरे यार हमरे यार डर लागा, अरे तोरे टिकुली लगाए दी, लाली लगाए दी, पता लाग चला जंजीरा के सिंह के पास इतना मनैया, और जहां हमरे टिकुली क्रीम लगाया भाई। देखो सुनो हमारी बात। हाँ। राजकुमारी से हमने प्यार किया है। हाँ। और दूसरी बात, हम महाराज जी के वफादार गुलाम भी हैं। हाँ। इसलिए महाराज की जान हम जाने नहीं देंगे। एक काम करो, आज राजकुमारी की जगह पर औरत मैं भी बनूंगा और औरत तुम भी बनोगे। देखो तुम यहाँ के मंत्री हो, और जहाँ सेनापति रहेगा वहाँ मंत्री भी रहेगा, जहाँ महाराज है वहाँ सब कोई रहेगा। इसलिए दो कपड़े लेकर आओ, एक तुम पहनो एक मैं पहनूं। कब भैया साड़ी पहने? यस बॉस। हमारे साड़ी पहने बड़ी ढेर लागत है, एक दाई पहने रहे भाई साहब, पांच छठ वर कुकुर पछुआए रहे, कसम भगवान कौनी तरह जान बचा रहा भाई। लेकिन तुम वहां रहते हुए चिंता मत करो, अब हमका लागे तो हमारी इज्जत लुटुआ वहां का यार। तुम साड़ी लेकर आओ पहले बताता हूँ। ये बात तुम्हें पहले भाई,
राजकुमारी जी इधर आओ, देखो सुनो क्या बात है। हम लोगों ने विचार बनाया क्या कि हम तुम्हारी जान संकट में नहीं डाल सकते, अगर तुम जाओगी वहां पर तो बहुत अनर्थ हो जाएगा। मैं भी सोच रही हूँ, इसलिए तुम जाओ अपना दो सेट कपड़ा लेकर आओ, और एक कपड़ा ये पहनेगा तोरे ऊपर लैगी होबो न करी, तोरे साइज के लैगी पे कंपनी बनती नहीं, जाओ लेकर आओ राजकुमार। ठीक है यार, देखा यार तू ही चला जाता है। सुनो साड़ी पहन लो हाँ। और आगे आगे तुम चलना, पीछे पीछे मैं चलूंगा। यानी कि खतरा का काम महामहिम चलेगा भैया। अभी हमको शादी करना है, राजकुमारी जी हमारे इंतजार में बैठी हैं। अरे यार अबे तो हम खुद ही अपन ब्याह नहीं कहे करे, सोचा तो है कि तो देखते तकते तो चलो साड़ी आने तो बताता हूँ। कहा था है? नेट खराब हो दिया है, साड़ी आवाज है तो बता ही नहीं। बड़ी चल रहा है मारा दिया है। अरे तो सूंघा जात का बे के का पहियत रहने यार। वो पहरे यहाँ के? तो हम यार काबो नहीं पहन गए यार, एक गाई पहने रहे बैटरी उठा जाए भाई। चला पहरा पहरा मान सम्मान वाली बात क्या पहरा चंगा जो भाई ऊपर से पहरा। हाँ नहीं भाई पता लगे कि तुम है सब मामला गड़बड़ हो जाए। कहा था है? अरे दुल्हन तो बनते ही एकाठी कोनो गाना लहावा बढ़िया कवैया, कोनो गाना बढ़िया लहावा के सक ना हो यार, नहीं तो ऐसे ठाड़े चला जाए सक सक हो। का यार हा कर छुरी मंगाई दी तो? का करे का है? अरे सब लोग समझता है कौन पोजीशन पे है। अबे मेहरारू हैदरा धोती पहरा थी कहे का हम उपरहित दिखाते है का जौन उपरहित की पुरोहित। हाँ वो 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 वो। अरे तो जैसे दाग मनाई दे रहा है वह तेरा बना है पचहड़ की करे वाले पहरा थी। अरे लेडीज बनना है, चित्रकला की दासी बनना है तुमको। हम चित्रकला बन रहे हैं। ठीक और हम हमारी दासी बन दासी बन रहे।
भाई तुहार हम तुहार दादी बनबे का करे हमार दादी बनबो हमरे दादा को देख ले दादा बैठा इनकी कि नहीं तमान नने आवत चला जाती है ऐसे का समझे हा खोलबे तब न खोल पाऊगा इतना कपड़ा पहले ही खोली रही है तो का कर पाई कहे हमारे बुढ़वाई आजी गठियाव कसके कसम भगवान बाबा हमारे दोपहर में झूले तब नहीं खोल पावत काहे अपने बाबा का आजी देखत रहा का ए हबाय है कि बहुत उनके लगे बहुत बाबा हमारे हमका बहुत मजाक रहे अपने लगे सोते रहे हे पहलवान बाबा पहलवान बाबा ए घुसवर नाथ बाबा अबे घुसमेश्वर नाथ बाबा घुसमेश्वर हे उषाण माई हमारी इज्जत बच जाए जाते डाकू जंजीरा के पास जंजीरा नहीं बे जंजीरा नाम हाँ जंजीरा कसम भगवान इज्जत हमार हुआ बच गया उषाण माई लौटे पर तोहका हम तोहरी दूर दूरिया चबुआ दुनिया पिप्पा के चबुआ हम बुद्ध के चबुआ दिए बेचारे ये क्या कर रहा है अपन फुफुनी बनावत रहे अबे प्लेट बना रहा है हाँ प्लेट का आवाज सौ दू सौ टॉप लगावा जेसीबी वाले मालिक साहब अच्छा ये बतावा आवाज लगावा सौ दू सौ टॉप देख ले मान ले भाई अरे हाँ वो जमा ले किस्मत अच्छा ये बता दो भैया एमा जेसीबी की सूढ़ी तोड़ी जाए चक्कर अच्छा ये बतावा ये चित्रकला का दासी बनी है कि लखनऊ छक्का बना है सरा हुई अब का भाई यार अबे इसको ऐसे कर ले बड़े अच्छा अब सुन मेरी बात अब तू मुझे अब नहीं कहेगा कि मेरा नाम जीवन है मैं तुझे नहीं कहूंगा कि तू प्यारे लाल है अब से तू अब बोलेगा मुझे चित्रकला दीदी और मैं तुझे दासी बोलूंगा ठीक है आ हम लोग गाते बजाते हुए चलते हैं जंजीरा सिंह के पास और उसके कैद से उसके सिकंजे से महाराज मातम सिंह को छुड़ा कर लाते हैं जल्दी कर नहीं सर पता नहीं कहां कायदा वो सर राजकुमारी जी हम लोग यहां से अपनी तैयारी बनाकर निकल रहे हैं तुम चलो अपने शयन कक्ष में विश्राम करो हम लोग यहीं से अपना गाते बजाते हुए निकल लेंगे हो दिल ना लगाई
जाइए लेकिन मेरे पिताजी को चलते लेकर आना। राजकुमारी जी, कहावत में कहा गया है कि जंग और प्यार में सब चलता है यार। सेनापति सब कुछ तो तैयारी बनाई है, एक चीज भूल जा रहा है। क्या? राजकुमारी से राज दरबार से इसको भी मंगा लिया जाए, नहीं तो पता लगता है कि तुम सही कह रहे हो। राजकुमारी जी, क्या एक पिस्टल की व्यवस्था करो। ठीक है, मैं तुरंत लेकर आती हूँ। ठीक है, तुम लेकर आओ। सहेला कावा सहेला भी। अब हम तो सहेली सहेली। ये सुनो ए दासी,